मैं भी शुमार हूँ उनमें, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहा हूँ, आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहाँ लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए, जो बचे खुचे हैं कल कर देना। लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से अपने दूसरे टर्म में मोदी जी आए हैं बहुत कमजोर हो गए, और कमजोर व्यक्ति ही इस तरह की हरकतों को प्रोत्साहित करता और करवाता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। मैम, एक तरीके से मास सस्पेंशन जो है आज लोकसभा में देखने को मिले हैं, 33 सांसद एक ही झटके में सस्पेंड कर दिया गया उनको, और जो 3 सांसद ऐसे हैं जिनके मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है। इस तरीके से देखिए, इससे पहले भी 14 सांसद हैं जो पहले से ही निलंबित चल रहे हैं। ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, ना देश को कबूल है, प्रजातंत्र पे चल रहा है, जनता के भरोसे पे इनको ये जो मैंडेट मिला है वो मिला है। मैंडेट इसलिए मिला क्योंकि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अहम मुद्दा माना। आज सबसे सुरक्षित जो इमारत है उसके ऊपर हमला होता है, और देश के ना प्रधानमंत्री बोलेंगे ना गृह मंत्री बोलेंगे, और हम अगर आपसे ये मांग करेंगे आप हमको सदन से बर्खास्त करेंगे, ये किसी को भी कबूल नहीं है, और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मैं आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहती हूँ, 22 साल पहले जब आतंकी हमला हुआ था उनकी इतनी हिमाकत नहीं हुई थी कि अंदर आ जाएं, क्योंकि 13 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। उस समय पे देश के प्रधानमंत्री ने आकर राज्यसभा में जवाब दिया था और जिम्मेदारी ली थी। देश की जनता ने आपको ये जिम्मेदारी नहीं दी है कि आप न्यूज़पेपर चैनल में जाकर इंटरव्यू दें, न्यूज़पेपर को जाकर इंटरव्यू दें या एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दें। आप जानते हैं कि कोई भी जो भी मीडिया वाले हैं, मीडिया कर्मी आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, इसलिए आप पार्लियामेंट में आकर जवाब नहीं दे रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी यहाँ पे आकर बनती है, और अगर हम ये मांग कर रहे हैं इसके लिए हमें बर्खास्त करना, तो ये हम कहेंगे कि हमारा बैज ऑफ ऑनर है। ये तो माननीय अध्यक्ष जी को मालूम होगा, लेकिन हम लोगों को जो नॉलेज में आ रहा है 32 से 33 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया गया है। मुझे लगता है आज की सरकार, भाजपा सरकार चाहती है विपक्ष विहीन सदन चले, और प्रश्न पूछने के लिए कोई भी विपक्ष का व्यक्ति, उनकी गलतियां बताने के लिए, उनकी गलत नीतियों को बताने के लिए प्रश्न पूछने वाला जो परंपरा है इस देश की, लोकतंत्र की, उसको खत्म करने का एक उदाहरण लोकसभा में 47 एमपीस को, पूरे विपक्ष को सस्पेंड किया गया है, और आज लगभग 32 से 33 राज्यसभा में सस्पेंड किया गया। एक पहले डेरेक जी को किया गया था, मुझे लगता है 33 से 34 जो रूल अपोजिशन के सांसद हैं उनको आज सस्पेंड कर दिया गया। क्या कहेंगे मैम, इस तरीके से मास सस्पेंशन एक तरीके से आज देखिए, ये भाजपा मॉडल है, ये मोदी साहब का मॉडल है, ये राजतंत्र का मॉडल है। अभी उन्होंने नया पार्लियामेंट बदला है, मुझे लगता है कल की तारीख में विपक्ष विहीन जो सदन है वो चलाएंगे। हमें लगता है जिस सदन को हम एक परंपरा और इतिहास गवाह है कि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें वाद विवाद होता है, जब से भाजपा की सरकार आई है उनका एक सुत्त कार्यक्रम है कि हिटलर शाही की तरह सरकार चलानी है जो विपक्ष विहीन होगी। विपक्ष को कोई भी अधिकार नहीं है आपसे प्रश्न पूछने का, चाहे इस सदन की सुरक्षा का मामला हो, चाहे यहाँ पे किसी भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का मामला हो, किसी घोटाले का मामला हो, मणिपुर का घोटाला हो। चार चार लोग सदन के भीतर कूद जाते हैं, लेकिन विपक्ष का मुंह बंद रहना चाहिए। आपको अधिकार नहीं है सरकार से पूछने का कि किस तरह की सुरक्षा की चूक हुई, आगे हम कितने सुरक्षित हैं, ये होम मिनिस्टर जवाब दे। ये अधिकार अब विपक्ष से हमें लगता है मास लेवल पे जो पार्लियामेंटेरियन को सस्पेंड किया गया है, यही उदाहरण एग्जाम्पल दिया है भाजपा सरकार ने कि आज के बाद से विपक्ष किसी भी सवाल को नहीं पूछ सकता है, और वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं तो देंगे, अगर आप पूछेंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको हाउस से निकाल दिया जाएगा। ये लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत बड़ा काला धब्बा है। ये संसदीय गणतंत्र का पक्ष में एक विपज्जनक पदक है, और
बीजेपी दल संसदीय गणतंत्र में विरोधियों को दबा के रखना चाहते हैं। दे आर ट्राइंग टू गैग द वॉइस ऑफ द अपोजिशन। ये विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, कल इंडिया अलायंस का मीटिंग है और हम लोग एकजुट होकर जितना दूर तक जाए हम लोग प्रतिवाद में शामिल होंगे, सब मिलके। ऑल एलिस पार्टीज ऑफ इंडिया अलायंस विल बिकम क्लोजर टू ईच अदर आफ्टर दिस इंसिडेंट। सीएम ने कहा कि सब एक साथ रहो, इंडियन एलिस पार्टीज को बीच में जो कुछ हुआ है, संसदीय गणतांत्रिक रीति नीति सबको मान के एक साथ प्रतिवाद करो और देशवासियों के सामने ये दिखाओ कि ये सरकार, ये बीजेपी दल विरोधियों को नहीं मानते हैं, इनको खत्म करने के लिए जो चाहिए ये लोग कर सकते हैं।